और बुलेटिन में सबसे पहले बात किसान आंदोलन की। तो कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और कल किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। किसानों के भारत बंद को कई विपक्षी दलों ने समर्थन दिया है। कांग्रेस, एनसीपी, सपा और आम आदमी पार्टी समेत करीब 13 से ज्यादा विपक्षी दलों का समर्थन मिला है। किसान अभी भी तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं, तो सरकार के साथ बातचीत भी जारी है। किसानों और सरकार के साथ 9 दिसंबर को छठे दौर की बातचीत होगी। उधर भारत बंद से पहले केंद्र ने राज्यों को एडवाइजरी भेजी है, सुरक्षा और शांति बनाए रखने के निर्देश हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करते हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है, भारत बंद के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के साथ ही कानून और शांति व्यवस्था को बनाए रखें। एडवाइजरी में कहा गया कि राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन किया जाए और सामाजिक दूरी बनाए रखी जाए। कल बैठकें हुई हैं, दो बैठकें हुई हैं, कल भी और आज भी हो चल रही है बैठक। पूरे देश लेवल के सभी संगठनों की जो सदस्य हैं वो कल की बैठक में आए थे, वो उसमें तय हो चुका है कि पूरा भारत 8 तारीख को बंद होगा और उसी की समीक्षा करने के लिए आज हमारी उसकी रूपरेखा तय करने के लिए पंजाब में कैसा हो, कहां कहां पर कैसे कैसे होना चाहिए, जैसे जैसे ड्यूटियां लगानी हम वाजिब समझते थे, आज की बैठक में हमने अभी से वहां बैठक में ही से आ रहे हैं, तो ये आज की बैठक में तय हुआ है कि पूरी तरह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हमारे भाई मध्य प्रदेश वाले उधर मोर्चे पे हैं, मध्य प्रदेश के साथियों से भी बात हुई है और रात मेरी कर्नाटका वाले भाइयों से भी बात हुई। मुझे लग रहा है कि इसका असर पूरे भारत में